छोटी क्यों बोल रहा हूँ आज वो, दरअसल अपना तो मैं तो आजकल वो अपना वो जो YouTube पे भी आ नहीं रहा हूँ, उतना टाइम ना ही हो पा रहा है ना, आई थिंक वो सब मैं क्लोज करने वाला हूँ। मेरे को उतना इंटरेस्ट भी नहीं है वो सब चीजों पे आजकल, ना उतना टाइम हो पा रहा है। तो अपना जूम में ही सही है, जो भी है जैसा भी है। तो यहाँ पर कल से वेकेशन स्टार्ट है ऑलमोस्ट, है ना। और मैंने आज ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है कि ऑल आर इन फेस्टिव मूड, सब फेस्टिव मूड पे है, मार्केट भी फेस्टिव मूड पे है और अपने बंदे भी सब फेस्टिव मूड पे है। और अपना भी मार्केट में ज्यादा कुछ होगा मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा ऑफ्स डाउन्स ये होने वाले। आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा दोस्तों, जो कि मे भी आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई साउथ से ज्वाइन करते हैं तो काइंडली लेट मी नो, आई विल ट्रांसलेट इन इंग्लिश ऑल्सो। ओके, मैं इंग्लिश में उसको बोलूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब तक हिंदी वाले हैं कंफर्टेबल तो हम लोग हिंदी में बात करेंगे। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। पहली बात, मैंने पहला वो क्या बोला था, पहले से बोला था कि मार्केट हमेशा सेंटिमेंट पे चलता है, ना कि कोई टेक्निकल। और वो जो होता है ना टेक्निकल डाटा, वो बाद की बात है। अब मार्केट में सेंटिमेंट काफी स्ट्रांग है बुल साइड में फिलहाल, आपने देखा होगा। और अगर अभी अगर कोई SGX भी देख रहा है, देन ऑल्सो यू कैन नोटिस कि मार्केट अगर नीचे से भी आया ना तो भी भाग रहा है ऊपर, यानी कि नीचे से बुल्स बाय कर रहे बिंदास, आंख बंद कर रहे। मैंने कल एक वीडियो शेयर किया हुआ था, वो अपना झुनझुन वाला जी का, राइट। और वो काफी वायरल हो चुका है दरअसल। तो झुनझुन वाला का उस वीडियो में अगर आपने सुना होगा ना, एक बढ़िया चीज है, कुछ उसमें कुछ बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स है। उनमें से एक पॉइंट जो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा वाला पॉइंट। उन्होंने एक चीज बोला कि मतलब मार्केट होप से चलता है ना, मार्केट मतलब एक हवा से चलता है। जैसे कि मतलब अब GDP इतना होने वाला है तो इंडिया भागेगा, इंडिया का स्टॉक मार्केट, राइट। और जब उतना हो जाएगा ना तब नहीं भागने वाला है, तब नहीं भागने वाला है। तो जब तक एक न्यूज है, न्यूज के ऊपर मार्केट रिएक्ट करता है, लेकिन जब वो हो जाता है, प्रैक्टिकल ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, तब वो नहीं होता है, नहीं होता है। अब जैसे बहुत सारे हमारे कस्टमर हैं जो लाइफ टाइम मेंबर्स भी हैं, जो कि ऑटो सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो आज शरद जी से भी बात हो रही थी, इंदौर वाले शरद जी से। तो अगर वो वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल कमेंट करना मत भूलिएगा शरद जी। वो ऑटो सेक्टर से बिलोंग करते हैं, राइट। उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा कुछ उनका है, बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है। ऑटो सेक्टर का प्रैक्टिकली कुछ भी हो, लेकिन मार्केट रिएक्ट कर रहा है। कहाँ पर रिएक्ट कर रहा है कि अपना जो इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स आएंगे उसके ऊपर का जो न्यूज है उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर रहा है। M&M भाग रहा है, टाटा मोटर आपने देखा, टाटा केमिकल्स, टाटा के तो सब भाग गए, है ना। और उसमें भी एक अच्छा खासा कमेंट आया था इंटरेस्टिंग सा कि एयर इंडिया फ्री हो गया टाटा के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट था। चलो, तो ये हो गई कुछ मजेदार बातें। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, पॉइंट नंबर टू पे मैं आ रहा हूं, कि मार्केट कब क्रैश करेगा, क्योंकि कल से मेरा अवेलेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगा आप लोगों के साथ। और मैं अगेन आई विल बी अवेलेबल फ्रॉम 20th of October, ठीक है। 1.5 साल बाद घर जाना, तो लॉकडाउन वॉकडाउन हो गया और कभी गया नहीं लंबे टाइम से, सो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फ्रॉम माई साइड। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए कि मार्केट को आपको देखना पड़ेगा हमेशा डॉलर इंडेक्स के साथ। याद रखिए मूडी ने क्या बोला है, आपको हमेशा ना उस पॉइंट पे फोकस करना है। मार्केट को कभी आप ओवर बॉट या ओवर सोल्ड, जैसे होता है कि बहुत लोग पूछते हैं कल को मार्केट गिर गया तो, या फिर कल को मार्केट और ज्यादा ऊपर गया क्या होगा। यहाँ पर देखिए, मैं उन लोगों को भी जानता हूं जो निफ्टी को 15,000 से शॉर्ट करते हुए आ रहे हैं, और मैं उन लोगों को भी जानता हूं जो निफ्टी को 20,000, 25,000, 28,000 पे देखते हैं। तो मैं किस साइड पे हूं, टू बी ऑनेस्ट मैं किसी के भी साइड पे नहीं हूं। देयर आर ऑलवेज थ्री साइड्स, राइट, योर साइड, माय साइड, एंड थर्ड वाला क्या होता है किसी को पता है? एक होता है योर साइड, एक होता है माय साइड, और एक होता है राइट साइड। राइट साइड क्या है,
जिधर मार्केट जा रहा है, जिधर मार्केट, परफेक्ट वैभव जी, वैभव जी परफेक्ट राइट साइड, मार्केट जिधर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, भाग रहा है, पार्टिसिपेट करो, सिंपल सी बात है। जब मार्केट गिरेगा, मल्टीबैगर से तो पोजीशन काटना नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं, कल भी किसी मैडम ने मेरे को पूछा था कि सर इक्विटी केस में तो शॉर्ट सेलिंग होगा नहीं, जो भी होगा एफएनओ में होगा राइट, तो अगर मार्केट क्रैश होता तो क्या करना है? फ्यूचर में ठोको, ऑप्शन में ठोको, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मल्टीबैगर से काट भी मत। जब मार्केट ने पुल बैक दिया था, मैंने क्लियरली बोला था मेरा कोई लंबा चौड़ा मल्टीबैगर लिस्ट नहीं है मेरे पास, और ना ही मैं किसी स्टॉक को बार बार रिपीटेडली प्रोनाउंस करता हूं मेरे वीडियो पे। क्लियर से मेरे हैं मल्टीबैगर लिस्ट, जो आप सबको पता है, जुबिलेंट इनग्रेविया, टिंटनेट, विप्रो, अभी अभी क्या क्या शामिल हुए, क्लीन साइंस, और एक आपका सुप्रोजित, और अगर इंफ्रा की बात करें तो तीन स्टॉक्स है। हम लोग इंफ्रा के ऊपर ज्यादा ट्रेड करते नहीं है, लेकिन वो भी मल्टीबैगर है, याद रखिए, कैनफिन हो पीएसपी प्रोजेक्ट एंड थर्ड वन इज भूल गया मैं, प्लास्टिक में सुप्रोजित, ये सब मल्टीबैगर स्टॉक्स है। तो ये क्या करते हैं, देखिए, जो हम ओएल है और हाल भी है, हाँ एरोनॉटिक्स है आपका, एरोनॉटिक्स हाल ओएल, मैं उसमें भी आपको मतलब बात करूंगा उसके ऊपर भी, ठीक है। तो यहां पर मल्टीबैगर को छोड़ के, अब जिसने मैसेज किया था ना हर्ष, मैं आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी, उसके ऊपर काफी मैं जिक्र करते रहता हूँ, हर्ष इज ए वेरी गुड गाय, कॉलेज गोइंग गाय, मेकिंग 150-200% 300% का प्रॉफिट, टाटा मोटर में वो थोड़ी क्या था हर्ष, टाटा पावर, टाटा, आज जो मैंने स्क्रीन शेयर किया था टाटा पावर का, वो हर्ष का स्क्रीन है, रिमेम्बर दिस, और उसका टारगेट है 300%, अभी चल रहा है शायद 150-200 के पास चल रहा है राइट हर्ष, उसका टारगेट है 300%, जो कि आई बिलीव हो ही जाएगा, 300 क्या उससे ज्यादा ही होने वाला है। तो यहां पर सोचने वाली बात है कि हम टाटा पावर, यस, तो हम मल्टीबैगर से कहीं पर पोजिशन काटते हैं, कितना भी बुरा न्यूज आ जाए, कितना भी मार्केट क्रैश हो जाए, मल्टीबैगर ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आपको संभालते हैं। बालामाइन मल्टीबैगर 650 से 5,500 मल्टीबैगर, उनको बोलते हैं मल्टीबैगर स्टॉक्स। हाइकल न्यूक्लियस भी एक मल्टीबैगर है, याद रखिए, फिनांस में मैंने आपको बोला हुआ है। हाँ, मार्केट कब क्रैश होगा ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मार्केट हमेशा, जितना मेरा नॉलेज है मैं उतना ही बोलता हूँ, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, मार्केट क्रैश तब होगा जब जिनके ऊपर ज्यादा लायबिलिटी होती है, जिस सेक्टर्स के ऊपर, ओके, ये वीडियो फिर बाद में वो भी देखेंगे, साउथ इंडियन जो हमारे मेंबर्स हैं, तो इसलिए मैं इसको भी थोड़ा इस तरीके से बोल देता हूँ कि व्हेनेवर द सेक्टर्स व्हिच आर अंडर सीरियस लायबिलिटी विल ओवररूल इन द मार्केट, जब वो लोग ऊपर जाएंगे, डोमिनेट करेंगे मार्केट को, तब मार्केट में क्रैश की पॉसिबिलिटी बनता है। जो एक वर्ड होता है ना, बबल्स, मार्केट में कोई बबल्स नहीं बना है। जब आपको याद होगा, बिफोर कपल ऑफ वीक्स जब मार्केट में हुआ था पुल बैक, और काफी मेंबर्स तो अपना पोजीशन काट भी दिए थे, मेरे को याद है, तब भी मैंने बोला था ये पुल बैक है, मार्केट क्रैश नहीं होगा, मार्केट क्रैश तब होगा जब जो लायबिलिटी सेक्टर्स होते हैं ना, जब वो लोग ऊपर जाते हैं तब दिक्कत आती है, देन ओनली यू देयर इज अ चांस कि वहां पर कुछ गड़बड़ी होगी राइट। अब लायबिलिटी सेक्टर क्या होता है, पहला होता है एनबीएफसी, अभी तक रैली नहीं दिया हुआ है राइट। चलो, दूसरे जो होता है हाउसिंग एंड फिनेंस अभी रैली दे रहा है, ये एक सेक्टर दे रहा है, एनबीएफसी की रैली अभी तक कोई नहीं है, और भी काफी सेक्टर्स बाकी है रैली के लिए, लाइक फूड बाकी है ना, भेक्टर फूड का तो अभी स्टार्ट हुआ, डीएफएम ने तो दिया भी नहीं है ना, फूड का हुआ नहीं प्रॉपरली, देखा जाए तो पेंट का भी अभी तक हुआ नहीं है, और मतलब फार्मा और केमिकल्स अभी नीचे हैं, तो अभी, और क्वार्टरली सीजन अभी स्टार्ट हुआ है, अगेन आईटी सेक्टर का अभी स्टार्ट हुआ है,
राइट। तो अभी कोई बबल नहीं बन रहा है, जब तक बैंक निफ्टी डोमिनेट नहीं करता निफ्टी को तब तक मार्केट क्रैश नहीं होगा। ये बेसिक चीजें हैं। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो स्टॉक्स रिप्रेजेंट करते हैं ना, जब तक वो मार्केट को ओवररूल्ड नहीं करते मार्केट में, अब तक किसी भी मार्केट पे, इंडिया मार्केट पे हो, यूएस मार्केट पे हो, या फिर आप कहीं का भी मार्केट उठा के उनका पूरा हिस्टोरिक डाटा को चेक कर लीजिए, जब तक कोई बैंक्स, एनबीएफसीज एंड रिलेटेड लायबिलिटी सेक्टर्स जब तक मार्केट पे ओवरवेल्म ओवररूल्ड नहीं करते, तब तक मार्केट में बबल बनता ही नहीं है, पहली बार। और देखा जाए तो स्टिल बैंक निफ्टी निफ्टी से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो मार्केट को क्रैश होने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि बैंक निफ्टी ऊपर आए, निफ्टी से बेटर परफॉर्म करे। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात, डॉलर इंडेक्स पे ये आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा कि इंडियन मार्केट अभी क्या हुआ, मूडी ने क्या बोला, नेगेटिव टू स्टेबल। नेगेटिव से क्या हुआ है, स्टेबल हुआ है। मूडी ने ये नहीं बोला कि स्टेबल से पॉजिटिव हो गया है। अगर कल को बोल देगा ना कि स्टेबल से पॉजिटिव हो गया है तो भूल जाओ 20,000, भूल जाओ 25,000, मार्केट और भी ऊपर भागेगा। ठीक है, तो ये सोच कर मत बैठिए कि मतलब हो गया क्रैश। और मार्केट भी कम चालू नहीं है, एक एक बार ऐसा पुल बैक दिखाएगा ना, उसमें फिर अपना लोग टेक्निकल ज्ञान लगाते हैं, बियरिश एंगल्फिंग बन गया, अब तो मार्केट की गयो, अब तो ठाकुर गयो, कुछ घंटा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो तब होगा। अब मार्केट, इंडियन मार्केट टू बी ऑनेस्ट मुझे प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं डाटा को काफी जोरों का स्टडी करता हूँ हमेशा, मैं स्टॉक की फ्लाई हम लोग बनाते हैं ना, तो हम लोग डाटा को बहुत ज्यादा रीड करते हैं और मेरा 50% टाइम डाटा रीडिंग पे ही जाता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मार्केट को गिरना है तो मार्केट पे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंकिंग्स को मार्केट पे ओवररूल करना होगा। जब तक वो ऊपर नहीं आते तब तक कोई न्यूज प्रॉपरली आएगा नहीं जो मार्केट को नीचे की तरफ ड्रैग करे। राइट, इंजीनियरिंग सेक्टर का बढ़ना, मेटल सेक्टर का बढ़ना क्या हो गया, पावर कंजप्शन क्या हो गया, क्या हो गया कोल सेक्टर, क्या हो गया कुछ हुआ? अरे जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड कंट्री है यूएस, उसका कुछ नहीं होगा तो इंडिया का क्यों होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए, जब होगा ना, पहली बात जो मैंने आपको एक हिंट ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया, दूसरी बात है कि वो प्राइस पे दिखेगा। राइट, जब भी होगा प्राइस पे दिखेगा, लो एंड लो बनाएगा मार्केट। डेली चार्ट देखिए, अब वीकली चार्ट देखिए, अब मंथली चार्ट देखिए, मार्केट लो एंड लो बनाएगा। तो इसलिए कभी सोचिए मत, आप हमेशा एक इन्वेस्टर की तरह सोचिए, कभी भी एक ट्रेडर की तरह मत सोचिए प्लीज। अब तो ऐसी हालत है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा भी आता है ना क्वेश्चन कि वो भी मैंने आज शेयर किया हुआ है अपना, जो भी मैंने फ्यूचर एंड ट्रेड का ट्रेड लिया था। मैं हमेशा एफएनओ में बहुत ही कम ट्रेड लेता हूँ, हमेशा कम लेता हूँ, मैं इक्विटी कैश पे ही सबसे ज्यादा लेता हूँ। लोग जो भी नए ट्रेडर्स हैं, काइंडली यूटिलाइज ये मेरी आपसे, आप रिक्वेस्ट बोल सकते हो या फिर कुछ भी बोल सकते हो, ऐसे तो मेरा इसमें कोई जाता वाता है नहीं, लेकिन मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपके पास ये 6 to 7 days और 6 to 8 days का टाइम है ना, इसको काइंडली इन्वेस्ट कीजिए। जीरोधा का जो एक तो है वार्सिटी, जीरोधा वार्सिटी, यू नो दैट ऑलरेडी। उसके अलावा कुछ अच्छे अच्छे चीजों पे जो प्रैक्टिकली है, मतलब आप जाइए जीरोधा के देखिए कि जो टॉप 500, टॉप 1000 जो विनर्स हैं, वो लोग कैसे पैसा कमाते हैं, झुनझुनवाला कैसा पैसा कमाता है ना, और जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स कैसे पैसा कमाते हैं। आप ये मत देखिए कि वो जो ऑप्शन वाले, जो आपके यूट्यूब वाले जो होते हैं, वो लोग कैसे पैसा कमाते हैं, वो लोग झूठ बोलते हैं। काइंडली आप अपना टाइम और अपना पैसा वहां पर बर्बाद मत कीजिए, अपने टाइम की, अपने पैसे की और अपने ट्रेड की कदर करना सीखो, जितना जल्दी उतना बेटर है। आप नहीं सीखोगे तो आपकी मर्जी है, अपना क्या ज्यादा। तो उन चीजों पर हमेशा ध्यान दीजिए और अपने आपके पे पूरा फुल कंट्रोल रखिए, अपने ट्रेड के ऊपर हमेशा अपना टारगेट को बड़े टाइम फ्रेम पे लाइए। ईयरली टारगेट रखिए, 3 ईयर का टारगेट रखिए, डेली का 1% मत ढूंढिए, हमेशा
ईयरली का ढूंढिए, बड़ा बड़ा टारगेट 3 ईयर का बड़ा टारगेट ढूंढिए। टाटा पावर मतलब अपना ही मेंबर है यार, हर्ष भी अपना मेंबर है, ज्योति अपनी मेंबर है, अतुल जी अपने मेंबर हैं, और बहुत सारे लोग हैं अपने मेंबर, मतलब जो अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, और काफी मतलब उनसे मेरे को काफी कुछ सीखने को मिलता है। सो पेशेंस होता है मतलब काफी लोगों पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। तो उन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, और ये गलत फहमी है कि भाई कभी मत रहिए कि मतलब इतने दिन में इतना बनता है तो ऑप्शन में, ये ना जो नए नए ट्रेडर्स होते हैं, जो लोग बच्चे होते हैं, तो उनका दांत भी नहीं निकलता, वो लोग दोस काइंड ऑफ थिंग्स करते हैं और उस सोच पे पड़े रहते हैं, और इससे उनका टाइम बर्बाद होता है। तो अगर आप उस तरह से फिर भी आई डोंट थिंक कि आप लोग ऐसा कुछ सोचते होंगे, बिकॉज आप लोग काफी दिनों से मेरे साथ इन्वॉल्व हो, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमेशा थिंकिंग को बढ़ाए कीजिए, और एज ए इन्वेस्टर सोचे, हमेशा एज ए इन्वेस्टर, जब हर कोई बेचे तब बाय करो अच्छे स्टॉक्स, फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, उनको सोचो। अब ओके, मेरे अब आते हैं पॉइंट पे, दो पॉइंट मैंने आपको बोल दिया, 6-7 दिन का टाइम है। अगर आप मेरे को कुछ मानते हो, अपना बड़ा भाई मानो, अपना गुरु मानो, कुछ भी मानो, माय सिंसियर रिक्वेस्ट, इन्वेस्ट दिस 6 to 7 days ऑन जीरोधा वर्सिटी, ऑन हाउ एक्चुअली द 90% प्रॉफिट मेकर्स आर डूइंग इन द मार्केट, उनका प्रोसेस क्या, उनका प्रोटोकॉल क्या, उनका पर्सनालिटी क्या है, क्या लोग ऑप्शन में ट्रेड करते भी हैं या नहीं करते, आपको पता भी है कि नहीं। जो इंडिया के टॉप 5,000, 10,000, 50,000, 5 लाख प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, वो लोग करते क्या हैं, कहीं पर तो ट्रेड करते होंगे, उनके ऊपर स्टडी कीजिए, ये बेस्ट टाइम है, तभी आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा। किसी का पोर्टफोलियो देखिए, किसी को पैसा नहीं मिलता, रिमेंबर दिस वर्ड। ओके, मेरे फोकस पे है दो स्टॉक्स, एक है अमृतांजन। अमृतांजन को दरअसल स्टॉकीफ्लाई ने दिया था, यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ, इस वाले ब्रेकआउट पे मेरे को दिया था, लेकिन अब ये इतना इलिक्विड स्टॉक है कि मैं थोड़ा सा इसके ऊपर कंफ्यूजन सा था, फिर ऊपर गया, उसका शायद कुछ न्यूज व्यूज यहाँ पर था, कुछ इवेंट था, उसने गैप डाउन किया, राइट, और गैप डाउन के बाद फिर यहाँ से इसने करके यहाँ पर एक तो ब्रेकआउट दिया, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, कॉप एंड हैंडल, कॉप एंड हैंडल। स्मिथ जी हो गया, हाँ स्मिथ जी अगर हो गए तो आप मेरे को हाई बोल देना। ये है आपका कप एंड हैंडल, राइट, कप एंड हैंडल थोड़ा सा इस टाइप का दिखता है, और यहां से अपना उसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, हाँ स्मिथ जी चलो ठीक है, इसको बोलते हैं हैंडल, ठीक है। हैंडल हमेशा टेढ़ा बनता है, जो बंदा आपको सिखाता है कि ये होता है कप एंड हैंडल, ये गलत है, ये कप एंड हैंडल नहीं होता है, हैंडल मस्ट बी डिसेंडिंग, मतलब डिसेंडिंग लाइक दिस, ओके, ये चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या हो गया इसका, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, 11 और 10 मिनट में इसको हम लोग क्लोज करेंगे, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स था, हाँ ओके, ये हो गया आपका कॉप एंड हैंडल, तो ये डिसेंडिंग होता है हमेशा, तो इस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमेशा अपट्रेंड पे हो, अपट्रेंड पे हो, कॉप बनेगा, हैंडल हमेशा बनेगा टेढ़ा, सीधा नहीं बनना चाहिए भाई, सीधा वो सीधे हैंडल के चक्कर में ना मेरा बहुत लॉस हुआ है पहले, मैं आपको इसलिए क्लियर कर देता हूँ, मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ, हमेशा आपको ये चीज बोलता हूँ, आई एम जस्ट सेविंग योर टाइम। कॉप विथ ए स्ट्रेट हैंडल, वो 50-50 वाला चांस है, भाग सकता है नहीं भाग सकता है, लेकिन कॉप विथ डिक्लाइन हैंडल का चांस जो है वो 90% से ज्यादा है, करेक्ट, ये हो गया। So, एक है अमृतांजन और एक है टिप्स। अब ये भी इतना इलिक्विड स्टॉक है, लेकिन इसका पैटर्न जबरदस्त है, ये वाला टिप्स इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये पैटर्न आपको क्लियरली आप लोग भी बोल पाओगे ये कौन सा पैटर्न है, ये इस पैटर्न, ये दरअसल ये जो भी स्टॉकीफ्लाई के मेंबर्स है उनको पता होगा, इसने 12 को कल भी दिया था और परसों भी दिया था, 2 दिन से स्टॉकीफ्लाई बार बार बोल रहा है कि इसको लेने के लिए टिप्स इंडिया को, तो जब बार बार बोलता है तो मेरे ये पोर्टफोलियो मतलब मेरा ये ध्यान में आ जाता है कि यहाँ पर हाँ एक क्लियर सा इन्वर्स हेडेंड सोल्जर बन रहा है, लेकिन क्योंकि ये टॉप लेवल पे बन रहा है तो थोड़ा सा मैं राइट तो इन्वर्स हेडेंड सोल्जर बन रहा है, लेकिन क्योंकि अगर ये अपर देखो इन्वर्स हेडेंड सोल्जर कहाँ पर अच्छा काम करता है, सपोर्ट पे, नीचे बनना चाहिए इन्वर्स हेडेंड सोल्जर, लेकिन ये बन रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन हाँ ये भी एक पॉइंट है कि ये
यहाँ तक का एक स्पेस है, अगर हमने यहाँ पर इसको नहीं लिया है और मिस भी कर दिया है तो भी यहाँ तक का एक स्पेस है, और इसको ब्रेक करेगा तो दिख भी रहा है बहुत ही अच्छा खासा इसमें मोमेंटम हो सकता है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, इसको इसका अगर आप फंडामेंटल देखोगे, आप कहीं पर से भी देख सकते हो, स्टॉक फ्लाई पे देख सकते हो, आप मनी कंट्रोल पे देख सकते हो, आप बहुत सारे जगहों से इसका फंडामेंटल देख सकते हो, काफी स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटल, मोर देन 80% टाइप का है, इतना मेरे को याद आ रहा है, 80, 85, 86% टाइप का है। बस इसमें थोड़ा सा मेरे को एक चीज का ही थोड़ा सा एक कंसर्न है, क्या पता है कि ये जो है ये 5% का शायद इसका अपर सर्किट है, और ये स्टॉक काफी लो वॉल्यूम वाला स्टॉक है, राइट, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। अब इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो थोड़ा सा बोलना मुश्किल है, लेकिन मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए ये मेरे को काफी अच्छा दिख रहा है। डेली चार्ट पे क्लियर सा पैटर्न है, क्लियर डायरेक्शन है, सब कुछ क्लियर है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, वॉल्यूम स्ट्रांग है, सब कुछ स्ट्रांग है, इन्वेस्ट हेड एंड शोल्डर, और ये प्योर, इसको बोलते हैं प्योर हेड एंड शोल्डर, जो पता है लेफ्ट शोल्डर क्या है बड़ा है, राइट शोल्डर छोटा है, राइट, तो प्योर हेड एंड शोल्डर इन्वेस्ट हेड एंड शोल्डर है, लेकिन ऊपर बन रहा है और इनलिक्विड स्टॉक है, इसीलिए थोड़ा सा, और टिप्स इंडिया जिसको हम लोग ज्यादा ट्रैक नहीं करते या कोई पता है, तो इसीलिए थोड़ा सा मेरे को थोड़ा मैं आगे पीछे से हो रहा हूँ, लेकिन अगर हम लोग पैटर्न को बस अगर हम लोग देखें टेक्निकल पैटर्न को, तो 100 out of 100 लेने का ही आपको मन करेगा, और ये कोई पेनी स्टॉक नहीं है भाई, 1421 इसका सीएमपी चल रहा है, कोई पेनी स्टॉक नहीं है, 1421 का इसका प्राइस चल रहा है बाय द वे, ठीक है, ये हो गया एक बात। एक चीज पे ध्यान रखिएगा, अब आते हैं आपको किस सेक्टर पे अभी फॉलो करना चाहिए, मैं वो भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ग्राफाइट को देखिए, मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि ग्राफाइट एक मल्टीबैगर है, ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू पे आप इसको कहीं भी बाय करो, कैसे भी बाय करो, ये आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है, और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट देगा, ये आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा, दैट इज सेपरेट थिंग। इसको आप हमेशा 1000 से 3000 तक का रेंज पे मैं इसको देखता हूँ, मैं किसी को बोलूंगा नहीं, वरना फिर भाई कोई ले लेता है फिर कल से परेशान कर देगा, तो ग्राफाइट इज ए मल्टीबैगर। मैं ये चार्ट आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये है एक मस्त जगह पर जो कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा, है ना, 1 2 3 4 सपोर्ट के पास है, स्ट्रेट है, और इसमें अपना अपना एक पोजीशन भी है जो कि अपना फिलहाल लॉस में चल रहा है प्रीमियम ग्रुप पे, ठीक है, मल्टीबैगर के लिए ये ऑब्वियसली पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक बार 1000 ब्रेक करेगा, ये करेगा एक बार 1000 ब्रेक, ठीक है, मल्टी मतलब लॉन्ग टर्म की बात करो, अगर हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पर एक मस्त जगह पर है, आप टारगेट कीजिए, देखो मंडे तक अगर मूवमेंट होगा भी कि नहीं होगा मेरे को नहीं पता, क्योंकि फेस्टिव है, तो आप ट्यूसडे वेडनेसडे तक का थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व कीजिए, ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, इसको बिल्कुल ट्रैक में रखिए, ठीक है, अगर ये नीचे आता है, अगर ये नीचे आता है तो डेफिनेटली वो यहां से बाउंस करेगा, और अगर नीचे नहीं आता है और अगर ट्यूसडे से यहां से बाउंस करता है तो इसको इसको पकड़ सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं छोटे मोटे टारगेट के लिए, नहीं पकड़ सकते, मैं आपको पहले से भी, जो लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हो उनको पता है कि हमारा टारगेट हमेशा बड़ा होता है, तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहां से पकड़ोगे, आपका ये छोटा स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहां से अगर बाउंस करता है बाय ट्यूसडे वेडनेसडे 2-3 दिन के अंदर, तो आपका टारगेट इसके ऊपर होना चाहिए, ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए, सो स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, टारगेट बड़ा सा मिलेगा, और ऐसे भी इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, और ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर है, अभी ये अपना जो भी मेटल न्यूज के कारण ये नीचे आया है और इस टाइप का बिहेव कर रहा है, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बन रहा है, ठीक है। अब जो लोग मेरे को काफी क्लोजली फॉलो करते हो उनको पता है, जो भाग रहा है वो तो भाग रहा है, जिधर पोजीशन है क्लेम साइंस का पोजीशन है, डेल्टा का पोजीशन है, जिधर है उधर है, ठीक है, राइट, नेल्को है,
ये कॉम्बिनेशन पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो हाल ओएएल नेल्को, इस कॉम्बिनेशन पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। मैंने आज फिर से बाय किया हुआ है, ठीक है। अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि क्या नेल्को पे मैं फ्रेश बाय करूं। देखो, मैंने नेल्को पे क्यों बाय किया, क्योंकि नेल्को पे मेरा पोजीशन है। जब मैंने पहली बार अपना पोजीशन लिया था, तब भी मैंने अपना एमओ का स्क्रीन डाला था। मेरा अभी प्रॉफिट चल रहा है, एक पोर्टफोलियो पे 64% का, दूसरे पोर्टफोलियो पे 72% का। वहां पर मैंने फिर से इसको बाय किया हुआ है, क्योंकि मैं पिरामिडिंग करता हूँ, पिरामिडिंग करना मेरा आदत है। जब भी मार्केट अपना प्रॉफिट साइड पे जाता है, जब मार्केट अपना प्रॉफिट साइड पे जाता है, ज्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट करते हैं। मैं एग्जिट नहीं करता, मैं उधर और ज्यादा बाय करता हूँ, और जो मेरे लॉस साइड है वहां से मैं पोजीशन को काटता हूँ। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, मतलब एनकरेज एंड अल्सर टू बिकम कैंसर। जो आपके लॉस साइड है वहां से पोजीशन को मैं काटता हूँ, और उसको जो मेरे फेवर, जो मेरे फ्रेंडली साइड है, वहां पर उनको मैं शिफ्ट करता हूँ। जैसे कि इंडो स्टार से निकाला, डेल्टा कॉर्प में डाल दिया, है ना, उस टाइप का। मैं हमेशा सन टीवी से निकाला, आप मीडिया पे मैं उतना हो नहीं पाता पॉजिटिव, आई डोंट नो व्हाई। मीडिया से निकाला, उसको मैंने डाल दिया अपना केमिकल पे, न्यूजन पे हो गया, गुजरात फ्लोरो कैम पे हो गया। तो मैं प्रॉफिट कभी बुक नहीं करता जब मार्केट मेरे फेवर पे है। मैं ये गलती मैं कभी नहीं करता, मैं हमेशा लॉस साइड से काटता हूँ, लॉस को एवरेज नहीं करता, प्रॉफिट साइड से काटता नहीं हूँ, उधर में ज्यादा डालता हूँ प्रॉफिट मेकिंग। और ये आदत बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, ये आप लोग शायद जो करते हैं समझ रहे होंगे, जो नहीं करते उनको टाइम लगेगा इस आदत को बनाने के लिए। क्योंकि तो लोगों का ऐसा आदत होता है टू बी जेनेरिक कि 15-20% का प्रॉफिट हो गया, बुक कर लो। मैं हमेशा प्रॉफिट साइड पे ज्यादा बाय करता हूँ। ये हो गया, ग्राफाइट सपोर्ट पे है, इस पर ध्यान रखिएगा, ऊपर जा सकता है। हाल ओएल नेल पे, इन पे अपना जो एरोनॉटिक्स एंड इन दैट लाइन है, उन पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई सेक्टर है तो वो है जो अब तक नहीं चला प्रॉपरली, वो है फार्मा। फार्मा पे ध्यान रखिएगा, काफी टाइम हो चुका है और 5 मिनट में इसको हम लोग क्लोज करेंगे, आप लोग को लेट हो रहा होगा ना इसीलिए। तो कार्डिला पे स्पेस है, यहाँ तक का स्पेस है कार्डिला पे, राइट। और कार्डिला पे भी ध्यान रखिए, ठीक है। नोवो को, यस बिल्कुल, नोवो को, अरे उन पर तो ध्यान रखना है, मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको। कहाँ पर ध्यान रखना है मैं आपको बताता हूँ। वो जो कॉम्बिनेशन है, पहला हो गया एक कॉम्बिनेशन हाल ओएल नेल्को, राइट। दूसरा दूसरा कॉम्बिनेशन आपका हो गया फार्मा वाला, क्लीन नहीं, वो तो चल रहा है, उसके ऊपर नहीं बोलता मैं। एक है पानासी बायो, जो अपना पानासी बायो है ना, ऐसा कुछ उसका स्पेलिंग है, और है अपना नुबोको। ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, इन पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, ये हो गया, ठीक है। थायरो केयर पे दरअसल ध्यान रखना गलत है, बिकॉज इट्स अ मल्टीबैगर, ये आपको ऐसे ही प्रॉफिट देगा, जो मैंने आज ग्रुप पे भी शेयर किया हुआ था। तो इसमें कुछ मतलब कुछ सोचने वाली बात नहीं है। और अगर थायरो के साथ अगर मैं किसी को जोड़ना चाहूं, तो उसमें है आपका थायरो के कार्डिला, इसको भी थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो अभी प्रॉपर उसका करेक्शन हुआ है, तो अगर बाउंस करेगा तो अच्छा खासा बाउंस कर सकता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इस साइड पे अपना सॉफ्टवेयर साइड पे, नहीं सॉफ्टवेयर, नहीं सॉफ्टवेयर तो अभी भागा है, और अपना ये अपना जो स्पेशली जो फार्मा इन केमिकल्स का, ठीक है, टाटा केमिकल भाग गया, गुजरात फ्लोरोकेम भाग गया, ठीक है, नियोजन बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो आपको उधर ध्यान देना है, रेबिट्स को नहीं पकड़ना है। अगर रेबिट पे अपना पोजीशन है तो वहां से भी पोजीशन मत काटो, जो भाग रहा है उसको भागने दो, है ना, कि प्रॉफिट को भी डाइजेस्ट करने की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ाओ प्लीज काइंडली। और अभी आपको ध्यान देना है, जो नीचे हैं अच्छे स्टॉक से अभी तक भागे नहीं, तो उनपे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो एक नियोजन है, और एक है आपका ये सुदर्शन, सुदर्शन को देखिए, ठीक है।
तो पोर्टफोलियो, आप जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाए ना, हमेशा एक कॉम्बिनेशन पे बनाए, हमेशा इस टाइप का एक कॉम्बिनेशन करके बनाओ। ऐसा नहीं कि एक में पूरा डाल दिया, वो गलत होता है ना। और एक था जो मैंने यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ये वाला मैंने दिया था JBMA, इसमें भी काफी दम दिख रहा है। ये मैंने दिया था यहाँ पर, तो ये आज तो भग गया 10, शायद ऐसा कुछ था, 1 मिनट, 15% आज भागा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये 630, 631 के ऊपर जाता है तो यहाँ पर भी अच्छा खासा दमखम दिखेगा। एक ट्रेड था, मैं क्लोज करने से पहले बस आपको क्लियर कर दूं, एक ट्रेड है जो मैंने सबको दिया हुआ है, फिर आप लोग ये मत बोलिएगा कि नहीं आपने हमको नहीं दिया था, राइट। अरे हाँ, एक कॉम्बिनेशन वरना मैं भूल जाऊंगा, एग्रोवेट, इसकी अभी तक प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं हुई है। एग्रोवेट इज ए श्योर शॉट मल्टीवेगर, ठीक है। अगर किसी के पोर्टफोलियो में है दबा के बाय करो, अगर नहीं है तो भी बाय करो एग्रोवेट, ओके। ये एग्रोवेट, ओके ये हो गया, ये मैं भूल जाता इसलिए मिला। और एक है टाटा कंज्यूमर, एग्रोवेट एंड टाटा कंज्यूमर, स्पेलिंग को थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं गोदरेज एग्रोवेट है ना, गोदरेज एग्रोवेट, और एक है टाटा कंज्यूमर, ठीक है। अब मेरे को पता है कि कल स्मिथ जी और हर्ष है, हाँ हर्ष, हर्ष हर्ष स्मिथ और कौन है, हाँ अब सब, और बाकी कोई नहीं है, तो ये दोनों कल के कल बाय करने वाले हैं, मेरे को पता है। ये दो को आप मान के चलो मल्टीवेगा ने सियोशन प्रॉफिट मेकर्स, ठीक है, एक साल के लिए लो छोड़ दो। और ये अपना फेडरल बैंक की बात करते हैं, ये वाला लॉजिक मैंने शेयर किया था, फ्री पे भी पेड पे भी, और इसके पीछे काफी न्यूज है जो आपको कोई नहीं बताएगा। और जिन्होंने लॉकडाउन पे अगर आपने अगर बैंक अकाउंट किया है तो आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा। तो पहला बात करते हैं कि टेक्निकल में, देखिए अब यहां पर क्या है, मैं क्लोज करने से पहले आपको बस एक मस्त जानकारी दे देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाए, मतलब समझ पाओगे, ठीक है। ये एक ब्रेकआउट जोन है, ठीक है, ओके। देखो जब ये यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस बनाया ना, यहाँ पे इसने कोई भी कंसोलिडेशन नहीं किया, जब यहाँ पर बनाया यहाँ पर भी कंसोलिडेशन नहीं किया, लेकिन जब यहाँ पर बनाया इसने यहाँ पर कंसोलिडेट किया। तो रेजिस्टेंस के पास जब भी कंसोलिडेट होता है तो वहां पर हर्ष है अपना पोजीशन पे, चलो बढ़िया। तो जब भी रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन होता है तो वहां पर ब्रेकआउट होता है। तो मैंने क्या बोला था, 1000 क्वांटिटी बाय करने के लिए 86 पे, 86, ये वाला 86 है, 86 पे बाय हुआ, अभी चल रहा है 93। मैं दरअसल यहाँ पे टारगेट रख रहा हूँ अपना, क्या पता है 100, कम से कम एक राउंड फिगर तो वी कैन एक्सपेक्ट ना, 100 अपना टारगेट हम लोग रख सकते हैं। 1000 क्वांटिटी इन्वेस्ट किया 900 क्वांटिटी पे प्रॉफिट चल रहा है 7000 समथिंग, तो यहाँ पर 1000 से 1010 का टारगेट वी कैन बिल्ड। इसके दो रीजन है, एक एक टेक्निकल ब्रेकआउट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी डिकेड ब्रेकआउट बोलते हैं। इतनी कोशिशों के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दिया है, तो अगर ये यहाँ तक आता है अपना पहला टारगेट हिट होता है, और एटलीस्ट अगर यहाँ पर आता है तो भगवान भी फेडरल बैंक को अच्छी खासी उन्नति दे फ्यूचर पे, है ना। तो अपना सेकंड टारगेट भी हिट हो जाएगा, और इसमें सब का पोजीशन बराबरी से है, मेरे को पता है मेरा भी पोजीशन है। यहाँ पर आपको जो सोचने वाली चीज है वो है, इसपे दाव क्यों लगाया, मैं आपको बताता हूँ। जब लॉकडाउन चल रहा था ना, तो बड़े बड़े बैंक, ये बात ध्यान से सुनिएगा, जब बड़े बड़े बैंक पे ताला पड़ गया थे, ऑलमोस्ट एवरीवन इज लाइक शटडाउन एट दैट टाइम, इंडिया में क्या आया, इंडिया में आ गया आपका नियो बैंक, है ना, नियो बैंकिंग, नियो बैंकिंग, जो नियो बैंकिंग के ऊपर जानते हो बहुत बढ़िया बात है, अगर किसी को नहीं पता है काइंडली गूगल कीजिए, आपको बहुत कुछ मालूम पड़ेगा। नियो बैंकिंग का जो कंसेप्ट है ये दरअसल
अमेरिका मतलब बाहर का है, अमेरिका का है, इंडिया का नहीं। यहाँ पर दो बैंक्स ने अच्छा खासा गेम कर दिया। क्या बताएं, अब लॉकडाउन पे तो बंदा जाएगा नहीं, और कुछ बैंकों ने ऑनलाइन बैंकिंग, आप अपना नया अकाउंट खोल सकते हो, उस टाइप का एक सिस्टम दे दिया, राइट। यहाँ पर दो बैंक्स जो हैं, अगर जिन्होंने भी लॉकडाउन पे अगर अपना नया बैंक खोला होगा तो उनको पता होगा, अगर नहीं है तो काइंडली इसको रिसर्च कीजिए, आपको काफी कुछ मालूम पड़ेगा। पहला बैंक है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, दूसरा बैंक है फेडरल बैंक। इक्विटस बैंक का एक है नियो 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 क्या है नियो जेन या फिर नियो एक्स, सॉरी मैं तो नियो जेन वो अपना कुछ, आप इसको गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो, उसका नाम भी आपको बता दें। इन्होंने लाया नियो बैंक। ओके, नियो बैंक पे होता क्या है कि मतलब किसी को भी बैंक पे जाने की जरूरत नहीं है, और इनपे इनको फायदा क्या होता है, नियो एक्स NIYOX, अगर आप इसको गूगल अपना प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो आपको और भी जानकारी मिल जाएगी। ये दरअसल बाहर का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर इक्विटास और अपना फेडरल बैंक ने क्या गेम किया आपको बताता हूँ। इन्होंने लॉकडाउन पे मतलब सम हंड्रेड्स ऑफ लाख के अकाउंट खोल दिए। फेडरल बैंक का दो नियो बैंकिंग सिस्टम, एक है FI जिनको पता है या फिर अपने आप गूगल पे मतलब, और एक है जुपिटर। तो ये जो न्यू बैंकिंग का है ना कॉन्सेप्ट, इससे बैंक को क्या फायदा होता है कि अब कस्टमर को कहीं जाने की, अगर आप अभी भी करोगे ना 2 मिनट में आपका अकाउंट हो जाएगा, पता है फेडरल बैंक में भी और इक्विटस बैंक में भी, FI और जुपिटर में और अपना न्यू एक्स में। इक्विटस वाले क्या करते हैं कि बायोमेट्रिक वाले को भेज देंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ईकॉम, ईकॉम कोरियर सर्विस, आपको पता होगा ईकॉम। होपफुली आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मे बी आप लोग क्या है ना थोड़ा सा मतलब ज्यादातर क्या होता है कि टेक्निकली पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी MACD, RSI एंड वो क्या बोलते हैं उसको, मूविंग एवरेजेस एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सम लाइक न्यूज कि व्हाई दिस स्मॉल फाइनेंस शुड बाउंस। तो स्मॉल फाइनेंस ना, अब अगर कहीं पर अगर आपको फाइनेंस में प्ले करना है स्मॉल फाइनेंस, और वही हुआ मार्केट, मतलब पैसा ना मार्केट में, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं से टीम मिल गया तो पैसा बनता है, नहीं बनता, कहीं से आप सीख गए तो भी नहीं बनता, आपको बहुत मेहनत करना रहता है। फेडरल बैंक तब ब्रेकआउट नहीं दिया, उसके बाद ब्रेकआउट नहीं दिया, ध्यान से सुनिएगा, तब ब्रेकआउट नहीं दिया जब वो अपना पूरा पॉजिटिव मोड पे था, अच्छा खासा डिविडेंड देके उसने ऊपर गया था, तब भी ऊपर नहीं गया, सेकेंड टाइम ब्रेकआउट नहीं दिया। तो हम लोग ऐसे कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस टाइम ये ब्रेकआउट देगा? मैं आपको बोलूं, क्योंकि लॉकडाउन पे फेडरल बैंक ने हाँ बिल्कुल रहो जी, नहीं एक तो गवर्नमेंट का न्यूज है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करने का एक न्यूज आया हुआ है कल से, राइट। लेकिन इस बार ब्रेकआउट क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ, और मैंने इक्विटस को नहीं पकड़ा, इक्विटस भी शायद अच्छा ही चल रहा होगा, मैं अभी बात कर रहा था फेडरल बैंक का, क्योंकि इसने ना बहुत चालाक बैंक है ये, इसने दो न्यू खोला हुआ है जुपिटर FI, और उसमें से इसने लॉकडाउन के टाइम में बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स इन्होंने खोला हुआ है। इक्विटस की अगर बात करें, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक को पकड़ते हैं तो ये देखो बस, मैं आपको वही तो बोल रहा था ना, तो इनपे ध्यान रखिए, इसको मैंने देखा नहीं था, इसका सनी यहाँ पर है ऑब्वियसली, ये शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल, इसका 50% 73 कटा तो नेक्स्ट राउंड फिगर 80 तो होगा नहीं, 90 तो पक्का है। तो ये लोग अभी कंपीट कर रहे हैं साइड बाय साइड, और ये लोग भागेंगे, और गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना बाकी था तो मिल गया, टेक्निकली तो बुलिस ही है, ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है, और इन्होंने जो कांड कारनामा करना था तो इन्होंने ऑलरेडी लॉकडाउन पे कर लिया है, तो इसका फायदा मिलेगा इनके क्वार्टरली रिजल्ट पे। सो ये जो नियो बैंकिंग है, इनको भी नहीं पता, काइंडली
देख लीजिएगा, क्वार्टरली रिजल्ट पे इनका इफेक्ट आपको दिखेगा। एक है फेडरल बैंक और एक है इक्विटास बैंक, लेकिन अपना उससे कोई मतलब नहीं है। फेडरल बैंक में प्रॉफिट चल रहा है, 100 लग जाए काम खत्म, या फिर 110 लग जाए तो और भी बढ़िया। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है मेरे को पूछ सकते हो, क्योंकि मैं कल से अवेलेबल उतना प्रॉपरली नहीं रह पाऊंगा। 8:30 कल इवनिंग को मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और फिर मैं आऊंगा जाके बुधवार यानी कि 20th मॉर्निंग पे। तो 20th मॉर्निंग पे फिर से मैं मार्केट पे अवेलेबल रहूंगा। तब तक के लिए ऑप्शन ट्रेड जब मेरे को मिलेगा मैं दूंगा, फ्यूचर ट्रेड जो भी है वो हम लोग कल पोजिशन काट लेंगे, ठीक है। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो मेरे को पूछिए। अगर कोई भी लॉन्ग पोजिशन पे है, पोजिशन काटो मत, कहीं पर बनाना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट है जो गिरे हुए हैं, अच्छा स्टॉक जो अभी गिरा हुआ है उनको पकड़िए। IOLCP, थायरोकेयर से लेके आप ये इक्विटस, इक्विटस थोड़ा सा इक्विटस का अगर बनाना है तो 73 के ऊपर आने दीजिए। फेडरल बैंक पे आप बना सकते हो। आरती ड्रग्स इज ए मल्टीवेगर, आरती ड्रग्स इज ए मल्टीवेगर हर्ष शाह, व्हाट आर यू आस्किंग? नहीं, स्टॉकिफाई में देख लो, आरती ड्रग्स इज ए मल्टीवेगर, आरती ड्रग्स इज ए मल्टीवेगर। एंड तत्व मैंने एक दिया था ना, तत्व TATVA, तत्व मल्टीवेगर, क्लीन साइंस मल्टीवेगर। लेकिन हाँ, मल्टीवेगर में भी ऐसा होता है कि आपको मतलब एक चीज है, क्या पता है कि मल्टीवेगर पे भी ना जिसका प्राइस जितना ज्यादा होता है उसका मोमेंटम आपको ज्यादा मिलता है। अब बोलोगे आपकी PSP प्रोजेक्ट क्यों नहीं भाग रहा है उतना जितना कैनफिन होम भाग रहा है, तो प्राइस का भी इश्यूज रहता है। मल्टीवेगर का मतलब ये नहीं है कैनफिन। हाँ ललित, क्या पूछ रहे थे? ग्लेक्सो है ना, ग्लेक्सो तो कंसोलिडेट कर रहा है, और ग्लेक्सो भी अच्छा चीज है भाई। अगर अगर आप ग्लेक्सो में हो तो इस ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल इंतजार करो, इसको देखो मत। मतलब इस टाइप के स्टॉक्स में ना देखना नहीं है, इसमें बस पैसा छापना है, ठीक है। और एक, हाँ, और एक स्टॉक था जो मैंने प्री पेड दोनों पे दिया था, अब क्योंकि मैं भूल जाऊंगा तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। MCX पे इसके ऊपर हम लोग का डिस्कशन हो चुका है, अपनी बाई इधर भी थी, फ्री में भी पेड में भी भाग चुका है। मैं बोलूंगा ये 50% इसको आप रखिए, इसको अगर आप लोग रख सकते हो तो रखिए। मेरा बोलना दरअसल गलत है कि आप रखिए, अगर नीचे आ गया तो फिर आप लोग मेरे को मैसेज करोगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए हो तो यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट को बुक कर लो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म सोचते हो मेरे टाइप का, तो आप यहाँ पे ना एटलीस्ट 3,000 से 3,500 का टारगेट एक साल के लिए मान के चलो, एक साल के अंदर, 6 महीना 8 महीना 10 महीना के अंदर आप इसको देख सकते हो। और एक स्टॉक था BSE। मैं आज इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं कुछ छोड़ के ना जाऊं कि फिर मैं घर पे जाके ये सोचता रहूं कि अरे मेरे को ये आप लोगों को मतलब जो है बताना था और मैंने आपको नहीं बताया। तो ये इसका ब्रेकआउट हो चुका है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट इसका हो चुका है। BSE पे बिंदास बनते रहिए, ठीक है। अगर अगर ये मेरे ऑप्शंस पे ना अगर ये गिरेगा भी तो भी यहाँ से हटिएगा मत, ठीक है। क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस पे ये इसका रेजिस्टेंस है, राइट। और जब भी रेजिस्टेंस पे इनवर्स एडेंस वगैरह टाइप का बनता है और ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से गिरना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर ये फिर से गिरता है तो भी ये रिटेस्ट करके बहुत ऊपर भागेगा। 2,000 से अगर आप, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ, शॉर्ट टर्म 800, मिड टर्म 2,000 से आप लोग 2,400 के लिए आराम से रह सकते हो। और लॉन्ग टर्म की बात करना थोड़ा सा आप लोगों को मे भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल ना लगे, लेकिन 4,000 इसके लिए आप लोग प्ले कर सकते हो। जो लोग मल्टीप्लेयर, टाटा मोटर क्या हुआ था, 54 से 224, कॉस्मो फिल पे बने रहिए आप लोग। नजारा पाए 3090, अभी यह स्टार्ट हो गया, अब ये स्टार्ट हो गया सब। कोस्मो फिल्म से क्या व्यू, मतलब क्या व्यू, क्या होता है व्यू? कुछ नहीं होता। अगर आपको ये चार्ट देख के लगता है कि हाँ आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए तो आप निकल लो, ठीक है। कोस्मो फिल्म अगर यहाँ पर आपको ये, अगर ये चार्ट पे अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि मैं दरअसल क्या चाहता हूँ पता है, मैं आज का वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं बस आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूँ।
मैं चाहता हूं कि आप लोग ना अपनी तरफ से इन चीजों पे ध्यान दें ताकि आप लोग समझ पाए ये किस एंगल से लग रहा है कि यहाँ पर निकलना चाहिए। कोई एंगल नहीं है, राइट, मस्त जगह पर है, बढ़िया जगह पर है। अगर हमें बोलूंगा तो आप लोग फिर बुरा मान जाओगे, है ना। तो अगर आप लोग पोजीशन काटना चाहते हो तो 1400 1445 के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस काट सकते हो, और अगर औकात है तो 2000 के लिए वेट कर सकते हो। और क्या है, भारतीय एयरटेल। अरे भारतीय एयरटेल हमेशा लॉन्ग, मतलब क्या बोलते, भारतीय एयरटेल का तो 2 दिन चीजें है ना, हर उसका बैंकिंग है, भारतीय एयरटेल का पेमेंट बैंक है, वो दरअसल रिकॉग्नाइज्ड बैंक है ना, पेमेंट बैंक है, पेमेंट बैंक, ठीक है। गुरु का बुरा नहीं मानते। अरे गुरु, मैं बस, मेरे को ये कोस्मो फिल्म का बस एक ही चीज क्या पता है कि आप लोगों ने कभी अगर नोटिस किया होगा तो मैं थोड़ा सा दो चीजों से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। वो है, पहला हो गया, मैं आपको बोल भी देता हूँ कि मैं दरअसल किन चीजों के थोड़ा सा दूर रहता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। एक है मीडिया और एक होता है ऑटो। यमुना ऑटो को मैंने बोला हुआ है मल्टीवेगर के लिए, मैं वो मानता हूँ। और ये वाला पोजीशन भी मैंने बोला था, ये भी ऑटो सेक्टर से शायद आता है, जेबीएमए, राइट, जेबीएम ऑटो लिमिटेड जो आज भागा। लेकिन फिर भी ना इनका जो नेचर है तो थोड़ा मेरे को उतना पसंद नहीं आता। नजारा नजारा अमित सिंगला जी, नजारा मल्टीवेगर नहीं है। नजारा को बस हम लोग अपना इसके लिए कर रहे थे, और क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बस फॉलो कर रहे थे आपका जो मोमेंटम, भाग रहा है तो भाग रहा है इसीलिए। और नजारा आपने बाय किया 3090 पे, क्यों बाय किया, क्यों बाय किया 3090 पे, कोई बाय करता है नजारा को, 3090 नहीं। चलिए, आपने फिर भी उतना उतना बुरी जगह पर आपने बाय नहीं किया। आज कोई मेंबर ने मेरे को बोला कि उसने यहाँ पर बाय किया हुआ है, तो मेरे को वो ज्यादा हंसी लगा। नहीं, आपने दरअसल उतना बुरी जगह पर बाय नहीं किया हुआ है, आप इस कैंडल का नीचे अपना स्टॉप लॉस मानिए, ठीक है। ये दरअसल नजारा पे मैं पॉजिटिव हूँ, 2706 के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखिए, 2705 पे आप अपना स्टॉप लॉस बनाइए। इसको हम लोग पकड़े कहाँ पर है यार, इसको हम लोगों ने पकड़ा था 2200 के पास, आप अपना ग्रुप में चेक कर सकते हो। तो यहां से ये भाग रहा था बोल के, इसको हम लोग चेस कर रहे थे, ये थोड़ी ना कोई मल्टीवेगर है, ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से ऊपर न्यूज है, डाटा है, वॉल्यूम है, तो भाग रहे थे। और ये दरअसल देखा जाए ना तो ये स्टिल बुलिश ही है भाई, ये बुलिश है, ठीक है। क्योंकि इस कैंडल का 50% के पास ये है, दो लोअर सर्किट लगाने का मतलब तभी ये नहीं होता कि ये बियरिश है, नहीं होता। तो जब तक ये इसके नीचे नहीं आता, ये बियरिश नहीं है, ये यहां से इस हाई को भी ब्रेक करने का दमखम रखता है, ठीक है। ये नजारा ट्रेड तो ट्रेड में है इसलिए रुक गया। जेकेआईएल के ऊपर कुछ न्यूज है ना, इसको आप थोड़ा सा ट्यूसडे तक अपने पास रखियो, ट्यूसडे वेडनेसडे तक थोड़ा सा अगर आप लोग इसमें हो तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको रखिए। इसमें कुछ गवर्नमेंट का, इसमें कुछ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कुछ पाया हुआ है, ये इसका जोन है जो मैंने आपको बोला हुआ है ना, इसका जोन है। मैं आपको जो जेकेआईएल का जो लॉजिक है, मैं इसके ऊपर क्यों थोड़ा सा बेटिंग लगा रहा हूँ, क्योंकि ये इसका लेफ्ट ये है, ये इसका हेड है, इसका राइट है, वो क्लियरली दिख रहा हुआ है। ये जो गैप है ये अभी तक फिल नहीं हुआ है, और ये दरअसल रिसेंटली कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को इसको कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको बाउंस करना है, तो यहाँ से ये अपना 162 से अच्छा खासा बाउंस कर लेगा, ये बाउंस करके यहाँ तक कम से कम आएगा, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो 169 मतलब जो स्टॉप लॉस है 169 168 अगर इसको अगर काटता है तो आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, ओके। तो इसको थोड़ा सा 2-3 दिन थोड़ा सा रुक जाइए इस पे, अगर आपने पोजिशन है इसमें ना थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि अभी तक इसका सेटअप जो है वो इंटैक्ट है, ठीक है। आईसीआईएल देवयानी, अरे यार आप लोग का फिर वही स्टार्ट हो गया, क्या बोलूं, इतना आपको समझा। अरे अरे आईसीआई की मैंने क्या लिखा था भाई, अरे भाई आईसीआईएल के जो आईसीआईएल का जब मैंने ये कॉल दिया था, आईसीआईएल का वहां पर मैंने क्या लिखा था, आप थोड़ा सा काइंडली इसको देखिए, मैंने उसमें क्या लिखा था। अगर मे भी आप लोगों ने सोचा होगा कि ये तो इंट्राडे कॉल है, या फिर आपको लगा होगा कि हाँ ये मतलब 3 दिन में प्रॉफिट दे देगा,
जहां पर भी ना मार्केट जल्दी से वो देगा, वहां पर मैं हमेशा क्या लिखता हूँ, VST। VST बोले तो वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड, वेरी शॉर्ट टर्म। PBR था वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड, और मैंने क्या दिया था, फ्री ग्रुप पे जो मैंने दिया हुआ है PBR दिया हुआ है, टाटा कंज्यूमर दिया जो कि ऑलमोस्ट टारगेट हिट कर चुके हैं, और एक अभी दिया हुआ है और वो है ना ये BSE, है ना, BSE दिया हुआ है। और मतलब मेरे को जितना याद आ रहा है इतना मैंने दिया हुआ है, और भी कुछ कुछ थोड़े बहुत मैंने दिए हुए हैं, है ना। तो उन पोजीशन पे रहिए। ICIL का सिंपल है, ICICI पे मैंने लिखा हुआ है कि अनमोल, अरे अनमोल से आप अभी तक वासुदेव जी निकले नहीं क्या? मैंने क्लियरली बोला है अनमोल से आइदर निकलो या होल्ड करो 10, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जब तक आप होल्ड कर सकते हो। एडवांस एंजाइम को होल्ड कीजिए काइंडली, अगर कोई है तो उस पोजीशन पे। ICIL को मैंने मल्टीवेगर के हिसाब से दिया हुआ है, रिमेम्बर दिस। तो प्राइस वाज 294,300, राउंड फिगर है, तो राउंड फिगर पे ये टकराता है और अच्छा खासा ये करता है। ICIL ये जो है, ICIL को मैंने मल्टीवेगर पे किया है। डोपेक्स का तो पॉजिटिव भी हुए है ना, शायद देख लेता हूँ। हाँ वो तो ऊपर लेवल पे इसकी, अब इस पे क्या हो गया? अरे सुनो ना, मैं क्या बोलता हूँ ना, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा मत करो। मतलब ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगर 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 फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टॉक, एक मिनट, आप ना हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछिए जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब ये हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपने यहाँ पर बाय किया, वो आ गया यहाँ पर, ये कुछ है क्या? ये तो मतलब इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन, इज नॉट, मतलब ये कोई क्वेश्चन पे नहीं आता है। जो उन्होंने पूछा अनमोल का, दरअसल वो दरअसल एक टाइप का क्वेश्चन पे आता है, क्योंकि अनमोल में ऑलमोस्ट 12 बल्क ट्रेड्स हो चुके हैं, राइट? 12 बल्क ट्रेड्स हुए हैं और 4 से 5 ब्लॉक ट्रेड्स हुए। फिर भी ये स्टॉक जो है अपने सपोर्ट पे ऐसा खड़ा है यहाँ पे, ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे आ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा मेरे को लगता है जेन्युइन क्वेश्चन है। मतलब हाँ, अब यहाँ पर दिमाग की जरूरत है कि यहाँ पर क्या करना है। तो अगर कोई भी अनमोल पे है, मैंने ग्रुप पे मैसेज डाला था, ये अपना अपनी एंट्री दरअसल यहाँ पर हुई थी, ये अपना पहला टारगेट के पास गया, 2 पॉइंट के बाद ये नीचे आया। मैं क्या बोलता हूँ, ऐसा जगह पर क्या करना चाहिए आपको, क्वांटिटी को आप रिड्यूस कर लो। ये मेरे ग्रुप में भी छोड़ा हुआ था, इसको रिड्यूस कर लो। अगर ये फिर से भागता है और अगर फिर से 175 के ऊपर आता है तो फिर से इसमें बाय कर लो, फिर से इसमें बाय कर लो। इस टाइप का आप इसको आप कर सकते हो। कोकेक्स एंड नियोजन फॉर VST, अरे भाई नियोजन इज, अरे यार आप लोग गाली सुनना चाहते हो, चर्चा चाहते क्या हो? नियोजन, ये हो गया नियोजन, ये हो गया नियोजन। पहली बात है कि नियोजन मैंने फ्री ग्रुप पे दिया नहीं, ओके? तो आप मेरे से उतना ज्यादा मत पूछो कि नियोजन क्या है। कोई बच्चा भी जो ना स्टॉक मार्केट का ना, जो अगर 2-3 दिन का अगर कोई चार्ट भी देखता है, कोई बच्चा भी बोल देगा, कोई बच्चा भी बोल देगा नियोजन ने अपने जिंदगी पे कभी बियरिश मार्केट देखा नहीं है। ये पहली बार देखा था, कब देखा था? ये अपना मार्च कोरोना के टाइम में, उसके बाद अपने रिजल्ट के टाइम में, उसके बाद से ही इसने कभी अपने जिंदगी में बियरिश नहीं देखा है ना। तो चार्ट देखने के लिए ना हमेशा टेक्निकल्स की जरूरत नहीं होती है। थायरोकेर को मल्टीवेगर बोलने के लिए या फिर नियोजन को मल्टीवेगर बोलने के लिए आपको किसी चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। VST के लिए लक्ष्य रावत जी, आपने पूछा है कि गोकेक्स एंड नियोजन फॉर VST नहीं है, नियोजन भी ना VST है ना गोकेक्स VST है। VST कौन सा था जो जहां पर मैंने VST लिखा था? मैंने कहां पर लिखा था VST? टाटा कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर पे मैंने लिखा था VST ट्रेड, ठीक है? तो जहां पर मैं VST लिखता हूँ वो VST ट्रेड है।
नियोजन को हम लोग भविष्य नहीं बोल सकते, ये केमिकल ट्रेड है। और ये ना ये काफी ये करता है, क्या बोलते हैं ना, केमिकल से ना भाई, केमिकल का आपको पता ही है, केमिकल से ना रुला देगा, मतलब केमिकल्स रुला देगा। और कोई क्वेश्चन है? इलेवन फोर्टी टू हो गया, 3 मिनट में क्लोज करेंगे। और कोई अगर क्वेश्चन है तो आप पूछिए शॉर्ट। अगर कोई आईटीसी के बाय में है मत पूछिएगा क्वेश्चन, अगर कोई शॉर्ट पोजीशन पे है। देवयानी, दीपक गर्ग, आपको देवयानी की बड़ी पड़ी है। श्याम मेटालिक्स में क्या चल रहा है देख? अरे भाई आप क्या कर रहे हो उसको, वो तृतीया युग के स्टॉक्स हैं भाई, उसको खाए को पकड़ के बैठे हुए हो। जो ये कौन सा स्टॉक है देवयानी, किसी को पता है क्या भाई? सुनो एक्चुअली ये एक तो ये नया स्टॉक है और मेरे को दरअसल इसके ऊपर आइडिया नहीं है। देवयानी इंटरनेशनल, ये किस सेक्टर से मतलब ये करता है, बिलोंग करता है? आपको पता भी है कि आपने ऐसे ले लिया था इसको? नहीं, दरअसल मैं इसके ऊपर मेरा उतना नॉलेज नहीं है। अगर किसी को आइडिया होगा तो काइंडली मैं सजेस्ट करूंगा कि जो ये भाई है इन्होंने काफी बार पूछा है, उनको थोड़ा सा बोल दीजिएगा, मेरे को नहीं पता है। हाँ बता दो, श्याम मेटालिक बताता हूँ। देवयानी, श्याम मेटालिक, हाँ। तो अरे तो अगर अगर इसको आपको अगर मौसमी मैडम ने दिया है, दीपक गर्ग जी, तो आप उनको पूछिएगा ना, उन्होंने कुछ देखा होगा तभी तो दिया होगा ना, मेरे को पूछते हो। अब इसको मैं ट्रैक नहीं करता है ना, तो मैं मेरे को आइडिया नहीं है इसके ऊपर, तो आप मेरे को पूछोगे तो मैं उसके ऊपर आपको मतलब कैसे बोलूंगा। ए इंजीनियरिंग पे आप लोग होल्ड कीजिए, ठीक है? दीपक गर्ग जी, आप समझे या नहीं समझे, है ना? अरे देखो, आपने जिससे कॉल लिया है आप उनसे पूछोगे तो क्या वो आपको क्लियर बता पाएंगे कि उन्होंने आपको ये कॉल क्यों दिया? उनके पास कुछ न्यूज होगा, उनके पास कुछ होगा, कुछ ना तभी तो दिया होगा, वरना क्यों देंगे, है कि नहीं? लेकिन अब देवयानी मैं ट्रैक नहीं करता, मेरे को नहीं पता है, तो मैं आपको क्या बोलूं, ठीक है? हाँ, कॉन्टेक्ट, नो नो स्मिथ जी, नो सीरियस नीड, सीरियस नीड कुछ नहीं होने वाले आपके साथ, कुछ नहीं होने वाला है, सीरियस नीड, ठीक है? और बाकी पोजीशंस पॉजिटिव है। देवयानी, और स्टॉप लॉस क्या दिया है दीपक गर्ग, स्टॉप लॉस क्या है वो भी पता है कि नहीं पता है देवयानी का? वो थोड़ा सा, हाँ बता, वो थोड़ा सा बोलिए तो, देवयानी का थोड़ा देखते हैं, इसको देख के हम लोग क्लोज करेंगे, ठीक है? कुछ होगा चीजें, मतलब है ना, मतलब। और मौसमी जी का कॉल थोड़ा सा, वो थोड़ा सा मल्टीबैगर पकड़ दिया, याद रखिए। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म वाला हूँ, तो मैं थोड़ा सा ये रहता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, मैं थोड़ा सा जल्दी प्रॉफिट बुकिंग का करता हूँ ना, इसीलिए मैं तो हमेशा अपना शेयर करते रहता हूँ कि मैंने आज, मैं कल यहाँ, मैं तो कल दबा के प्रॉफिट बुकिंग करने वाला हूँ, टू बी ऑनेस्ट। तो मेरा और थोड़ा जो है मौसमी जी का थोड़ा अलग व्यू रहता है, मौसमी जी हमेशा लॉन्ग टर्म पे प्ले करती है, हाई कार, टाटा मोटर, ये उनका ही तो था ना, वो किसका था, हैप्पीएस्ट माइंड। एक मिनट देख लेते हैं, इसको बस देख के हम लोग क्लोज कर लेंगे। होल्डिंग मत करना, ठीक है ना? अभी जो 6-7 दिन का जो चीज है, अगर कोई ऑप्शन की मैं मतलब बात कर रहा हूँ कि अगर कोई फ्यूचर ऑप्शन पे है, फिर ऐसा कुछ है ना, तो ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, मार्केट में ज्यादा कुछ होगा मेरे को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा ही होता है दरअसल, मतलब कुछ। सर फ्यूचर में प्रॉफिट बुक करेंगे कि हम भी पोजिशनल में डिलीवरी बुक करना है क्या?
नहीं, मैं बोल रहा था कि जो ऑप्शन पे है ना उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि मार्केट पे ना ये फेस्टिव सीजन पे उतना वॉल्यूम जनरेट नहीं होता है ना। ये नया कंपनी है, हाई वॉल्यूम हाई गेन की अपॉर्चुनिटी है फिलहाल तो जो दिख रहा है। और क्या ये दरअसल कौन से सेक्टर पे आता है वो थोड़ा सा देखना है। कंज्यूमर फूड, तो भाई फूड की तो रैली हुई नहीं ना भाई, है ना। ये तो कंज्यूमर फूड है देवयानी का, तो फूड का तो रैली हुआ नहीं है, तो अगर आपको पोजीशन मिला है तो आपको होल्ड करना चाहिए। वॉल्यूम बढ़ रहा है बाय द वे, है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है भाई, ठीक है। और ब्रोकरेज का जो है 151, ये कौन सा ब्रोकरेज दिया है? 88% बाय बाय के मूड में है के आर चौकसी, 151 ये ब्रोकरेज का टारगेट है। और दूसरी बात क्या होता है ना, ये क्या है यार, उनका नाम क्या था, दीपक गर्ग, क्या आपका नाम क्या था? अरे अगर आपको, मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, ठीक है ना, कि जो जो पोजीशंस मैंने दिया हुआ है वो मेरे वॉच लिस्ट पे हैं, है ना, ये मेरे वॉच लिस्ट पे है, मेरे को पूरा पता है। मैं और मेरे से जुड़े हुए जो भी फ्री या पेड मेंबर हैं उनको मैं एक एक लोगों को मैं जानता हूँ, उन्होंने क्या पकड़ा हुआ भी मैं जानता हूँ, कौन कहाँ पर फंसा हुआ भी मैं जानता हूँ, कौन कहाँ पर क्या कमा रहा है मैं जानता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने कोई पोजिशन पे हो जो मैंने आपको नहीं दिया है ना, और मैं अभी आपके सामने वीडियो में बैठा हूं और आप मेरे को भेजते हो स्माइली के साथ कि नहीं मौसमी जी ने दिया था, तो बेटर कि आपको उनसे पूछना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो एक मल्टी बैगर प्लेयर है। दरअसल मौसमी जी दरअसल मल्टी बैगर प्लेयर है, तो जिन्होंने भी मल्टी बैगर से पैसा कमाया है वो उनको बेटर जानते हैं, है ना। और मैं खैरा थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मिड टर्म का ही आदमी हूँ, तो मैं थोड़ा सा उतना लंबा टाइम अपना पोजीशन नहीं रख सकता, मैं तो हर्ष जितना भी अपना पोजीशन नहीं रख सकता, हर्ष जैसा पोजीशन बनाता है उतना तो मैं भी उतना टाइम अपना पोजीशन नहीं रख सकता। शायद आप लोग मेरे बात समझ लोगे, मैं काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, मैं कुछ इतना छिपाने भिपाने लायक का कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसमें कुछ होगा, अगर फूड सेक्टर रैली देती है तो मैं भी इसमें कुछ होगा, तो इसीलिए उन्होंने पोजीशन दिया है। तो आपका कंसर्न आप अपने मॉडरेटर को पूछिए, मेरे को मत पूछिए, यही बेटर है, जो मैंने दिया हुआ है मैं आपको बोला, ठीक है। खत्म, योर कुछ है स्मित जी, क्या बोल रहा था, कुछ अर्जेंट हो गया तो क्या अर्जेंट हो जाएगा बोलो, मार्केट चला गया 50% नीचे, ये क्या बोल रहे हो, 20% का लोअर सर्किट है, तो अगर मार्केट 2 दिन भी गिरता है ना तो भी 20-20-40% का सर्किट लगेगा, तो कोई टेंशन मत लो। गुड नाइट, गुड नाइट। अरे भाई 11:50 हो गया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आप लोग मेरे साथ रहे आज, एंड फिर मिलते हैं मेरे आने के बाद। पोजीशन काटना मत, मार्केट में बुल है, बुल का फायदा लो। दीपक जी हटियो मत पोजीशन से, हैप्पी हॉलीडे सबको, हैप्पी दुर्गाष्टमी, हैप्पी दुर्गा पूजा, गुड नाइट, जल्दी मिलते हैं, थैंक यू एवरीवन।